हे गाइस, आज हम स्काईलॉर्ड केव को फार्म करने वाले हैं और उधर से ही आपको फ्लैक आर्मर और सब मिलता है, और उधर से क्या क्या दूसरा मिलता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, और सबसे इजी वे बताने वाला हूँ आपको स्काईलॉर्ड केव फार्म करने के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी बंदों को नहीं पता होता है, वो पूरा सा लॉन्ग रूट लेके भाई स्काईलॉर्ड केव को फार्म करते हैं, इसलिए तो मैं सबसे इजी वे बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और भाई आप 78% की कैटेगरी में आते हो तो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो अभी उसके लिए भाई हमें थोड़ा सा थेच वॉल और थेच फाउंडेशन चाहिए, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते और आपको फिर भी फार्म करना है सबसे ईजी वे से, तो आप भाई ग्रैपलिंग हुक भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको ग्रैपलिंग हुक एक बार में दो ग्रैपलिंग हुक चाहिए, क्योंकि भाई उधर जाने में और भाई उधर से वापस आने में ग्रैपलिंग हुक चाहिए। इसलिए तो आप सोच ही सकते हो भाई आपको अगर 10 टाइम फार्म करना है तो भाई 20 ग्रैपलिंग हुक चाहिए, तो इसलिए इससे अच्छा तो भाई आप मेरे जैसा भाई थेच वॉल और थेच फाउंडेशन लेके चलो। तो अभी हम जल्दी से भाई अपने कोडजिल को लेके चलते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास जो कोडजिल है वो ही सबसे स्पीडी बर्ड है, हमारे पास दूसरा कोई स्पीडी बर्ड नहीं है। अर्जेंट है, इसकी स्पीड भी इस पर जैसी नहीं, क्योंकि भाई आप मेरे कोडजिल की स्पीड शायद 2010 है, मीन्स 2010 है भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी, ओ भाई 2010 और है भाई 210 है, तो भाई आप सोच ही सकते हो कितनी स्पीड होगी। तो अभी एक कॉर्नर से भाई दूसरे कॉर्नर में जाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो भाई मैं जल्दी से उधर पहुंच जाता हूँ पहले। ओके, तो हम फाइनली आ गए और भाई मुझे थोड़ा सा वही टेंशन हो रहा है भाई कोडजिल उधर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई उधर लैंड करने के लिए काफ़ी ओके आ गया, मुझे भाई ये याद ही नहीं आया भाई इधर काफ़ी ओपी जगह है। तो अभी ये सब रख देते हैं पम्प शॉटगन और, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, और भाई मैं सोलो में मरने के बाद भाई मुझे कुछ भी नहीं मिलता, पता नहीं क्या ग्लिच है पर मुझे मिलता नहीं है इसलिए। तो भाई अभी जल्दी से करते हैं और भाई मैं आपको इजी वे बताने वाला, तो आप देख लो, और भाई तगड़ा सा लेग हुआ काफ़ी बढ़िया। कोई नहीं, चलो भाई आपको भाई जिधर भी आपको दो रास्ते मिलते हैं उधर से आपको हमेशा राइट ही लेना है इधर। तो ये शायद 2 या 3 बार आपको राइट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको भाई मिल जाएगा ऐसा पूल जैसा जो भाई मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो भाई आपको ऐसा पूल जैसा मिल जाएगा, उधर आपको थेच फाउंडेशन और थेच वॉल लगाना है, तो इधर मैं जल्दी से लगा देता हूँ। ओके, तो भाई ये हो गया अभी। ओके, तो इधर एक नोट है, आपको एक्सप्लोर नोट को भाई ग्रैब कर लेना, एक इधर है और मैं कर लेता हूँ, क्योंकि भाई एक्सपी चाहिए हमें इसलिए। और हमें भाई उधर एक वॉल लगा देते हैं, क्योंकि भाई वॉल नहीं लगाया तो भाई उधर से आंट के भाई मैं गिर जाऊँगा, और बच गया भाई मैं पूरा गिर जाता इधर, तो इतनी सी जगह से मैं गिर जाता तो भाई काफ़ी बुरा लगता, बट कोई नहीं चलो। अभी उधर एक फाउंडेशन लगा देते हैं, बट मैं भाई बड़ी सी गलती करके आया हूँ अभी, क्योंकि भाई आपको रैंप चाहिए होगा, तो मैं जल्दी से रैंप बना के आता हूँ। ओके, तो भाई मैं रैंप बना के आ गया हूँ, क्योंकि भाई उधर एक रैंप चाहिए होगा फाउंडेशन लगाने के बाद, क्योंकि भाई इधर से उधर जाने में दूसरा कोई वे नहीं है इसलिए। तो मैं जल्दी से भाई अभी फिर से चले जाता हूँ, देख लो भाई एक और बार मैं दिखा देता हूँ, एक राइट और दूसरा राइट, और भाई इधर तीसरा भी राइट लेना है, मैं गलती से सीधे चला गया था, तो बस आपको बस राइट लेना और बस आप पहुँच गए फिर से उधर ही। तो अभी उधर फाउंडेशन लगा देते हैं और भाई इजीली करना, क्योंकि भाई इधर से पता नहीं भाई इजीली गिर जाते हैं आप लोग इसलिए। तो भाई इधर ऊपर तो नहीं लग रहा, तो उधर मुझे फाउंडेशन लगाना ही पड़ेगा। ओके ओके हो जा, ओके हो गया। ओके, अभी रैंप लगा देते हैं जल्दी से। ओके हो गया, देख लो भाई इजी हो गया अभी। और भाई इधर वॉल लगा देते हैं, क्योंकि भाई मुझे गिरना नहीं है, और भाई फिर भी आपको भाई स्लो ही चलना है, क्योंकि भाई कभी कभी आप स्पीड रन करने में गिर जाते हैं इसलिए। ओके, तो देख लो भाई ये हमारा आर्टिफैक्ट आ गया स्काईलॉर्ड केव का, और भाई उधर एक नोट है एक्सप्लोर नोट, तो आप ग्रैब कर लेना, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि भाई इधर डाइनो, अरे भाई नाम लिया और शैतानाजी, अरे भाई हट भाई, अरे मार मत भाई, गिर जाऊँगा, अरे नहीं नहीं भाई फाइनली हो गया, इसको जल्दी से डिस्कार्ड कर लेते वरना भाई दूसरे आ जाएंगे, अरे डिस्कार्ड, अरे भाई कौन आ गया फिर से भाई, अरे धक्का मत दे भाई साले, अभी भाई इसको जल्दी से डिस्कार्ड करके निकलते हैं भाई, मैंने बोला ही था ना भाई इधर काफ़ी बंदे आ जाते हैं,
क्योंकि भाई उधर एरेनी और ये चमकादड़ सब स्पॉन लेते हैं इसलिए। तो ओके अभी हम इधर से निकलते हैं। ओके लेफ्ट, आपको भाई लेफ्ट ही लेना। अगर आप राइट चले गए तो भाई आपको पूरा सा लॉन्ग मीन्स आपको पता नहीं लगेगा भाई किधर से निकलना है इसलिए। तो अभी हम जल्दी से भाई उधर पहुंच जाते हैं ब्लू ऑब्लिक पे, क्योंकि भाई वही नज़दीक है और हम कोडजिल को लेके चलते हैं अभी। ओके तो हम आ गए अभी। तो पहली बार में हमें क्या मिलता है, हमारी किस्मत कैसी है, और भाई मैं थोड़ा सा परसुद कंप्लीट कर लेता हूँ इससे अच्छा तो इसलिए। ओके तो भाई फ्लैंक का आर्मर मिल जाना भाई पहली बार में, आर्मर आर्मर। और भाई ये काफ़ी ओपी लग रहा है आइस में भाई ब्लू, काफ़ी ओपी फीलिंग आ रही है अभी। अरे भाई कौन सेडल देता भाई, रेप्टर का सेडल कौन देता भाई, इसकी तो भाई भैंस की आँख। कोई नहीं, चलो भाई अभी मैं फिर से जाता हूँ और थोड़ा सा फार्म करते हैं अभी जल्दी से, और भाई मैं सब दिखाने नहीं वाला इसलिए। तो अभी चलो ये आर्टिफैक्ट ले लेते हैं और भाई ट्रिब्यूट करते हैं जल्दी से। ओके तो ये हमारा दूसरी बार है भाई, फ्लैग का दे देना प्लीज़ भाई, मुझे दिखाना है इसलिए भाई फ्लैग का दे देना। और भाई मैं फार्म ही कर लेता हूँ, 10 बार फार्म करने वाला हूँ मैं। ओके फ्लैग का चेस्ट पीस और लेगिंग्स आ गया, देख लो भाई आप लोग, मैं दिखा देता हूँ। एसेंडेंट वाला काफ़ी ओपी है बट इसका आर्मर काफ़ी लो है। कोई नहीं, चलो भाई मैं फार्म करता हूँ जल्दी से। तो देख लो भाई मैंने 10 या 9 बार फार्म किए, तो भाई इसमें से आपको ग्रेनाइट माइनिंग हेलमेट और वो भी मिलता है जो रिवाइवल प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको इससे ही मिल जाएगा। और भाई मुझे इतने आर्मर मिले हैं, देख लो ये हेलमेट मिला है, 4 हेलमेट, 3 लेगिंग्स और 2 चेस्ट पीस, 1 बूट का और 1 हैंड ग्लव्स मिले हैं। कोई नहीं, चलो भाई इसका भाई ड्यूरेबिलिटी भाई 1000 थी, काफ़ी ओपी है बट इसका आर्मर इतना नहीं है। कोई नहीं, चलो तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।